नहीं करना है, योग यज्ञ पूर्वक करना है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्याः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतुः स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ये आहुतियां देते हुए ओम ईश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु अयत् भद्रम तन्न आसुव स्वाहा। अलग अलग मंत्रों से आहुतियां देते, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। योग यज्ञ पूर्वक करना। अब देखो, योग में सृष्टि के सारे दिव्य तत्व सन्निहित हैं। योग में संयोग है ब्रह्मांड के रित और सत्य का, और सब योग यज्ञ पूर्वक करना। और साथ में जिसको जैसा अभीष्ट है औषध सेवन के साथ योग करना, और यही हम यहां पर करवा रहे हैं। औषध सेवन के साथ योगाभ्यास करना,